एस्ट्रेकुला यूरेनस का प्लांट है। 15 मार्च को मैंने इसको हार्वेस्टिंग किया था। अब यहाँ रूट देखे जा सकते हैं दोस्तों, ये तो उसको मैं आज जाके लगा रहा हूँ पोट में। प्रूनिंग नहीं करना चाहता था पर मैंने पहले ही प्रूनिंग कर दिया है, थोड़ा लंबा था तो चलिए निकालते हैं। ये बढ़िया तरीके से नीचे से हीलिंग हुआ था और रूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो चलिए आई होप कि ये जल्दी से रूटिंग करना चाहिए। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया था साफ एंटी फंगस पाउडर, वो ज़रूरी है क्योंकि उसका टेक्सचर कुछ एडिनम की तरह है। तो चलिए लगा लेते हैं इस प्लांट को। तो मैं नए नए प्लांट डिस्कवर करता रहता हूँ, तो ये है दोस्तों एस्ट्रेकुला यूरेनस, बहुत ही बड़े लीफ हो गए हैं। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है बोनसाई प्लांट में कि प्लांट नॉर्मल से भी बड़े हो जाते हैं। तो ये प्लांट है दोस्तों एस्ट्रेकुला यूरेनस, गम काया भी बोलते हैं उसको, भूतिया भी बोलते हैं उसको, क्योंकि ये लगता है घोस्ट की तरह, भूत की तरह जंगल में अकेला दिखाई देता है, बहुत ही वाइट का ब्राइट कलर में, वाइट कलर से। ये अपना केचुआ भी बदलता है मेरे ख्याल से, ये अपनी जो ब्राक है वो छोड़ देता है तो दूसरी नई स्किन बाहर आती है, तो ये गजब का दिखता है दोस्तों। तो ये बिना लीफ के भी अच्छा लगता है अगर उसका अच्छा स्ट्रक्चर बन पाया तो। तो मैं यहाँ वायरिंग कर देना चाहता हूँ और ये कटिंग से भी होता है, यहाँ से जो कट किया था प्लांट वो यहाँ हो गया है लीफ से। तो अब अच्छा अच्छा कटिंग ला के मैं उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। थाइकस का कटिंग लगा था उसका भी वायरिंग कर दिया है, और ये देखिए उसको हमने ट्विस्ट कर लिया है थोड़ा सा, अब उसके ग्रोथ पे छोड़ना है। यहाँ से शायद मल्टीप्लाई हो तो यहाँ उसकी ब्रांचिंग अच्छे से नहीं होती, बट भले ही जितना भी टाइम लगे मैं उसको ट्राई करूँगा ट्रेन करने का, भले ही ये बोनसाई के लिए सूटेबल ना हो पर एक स्ट्रक्चर तो बनाने की कोशिश करूँगा, बाद में भले ही ज़मीन में रखना पड़े। तो चलिए मिलते हैं, दूसरा भी प्लांट है उसको भी मिल लेते हैं। तो ये वाइल्ड का ऑर्नामेंटल प्लांट है दोस्तों, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इससे खूबसूरत प्लांट मैंने नहीं देखा। मैं पिक्चर शेयर करने की कोशिश करूँगा उसका ट्री का, और उसको भी मैं थोड़ा वायरिंग और ट्विनिंग और यहाँ क्लीनिंग कर लूँगा। बारिश चालू हो गया तो काम तो बंद करना पड़ेगा। वायर लपेट लिया गया है दोस्तों, और ये थोड़ा मोटा प्लांट था, ना के बराबर रूट थी, पर ये देखिए सर्वाइव तो हो ही गया है। तो देखते हैं कैसा है अपडेट, उसका देखते रहेंगे और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।